हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग? तो बेटा, आज हम लोग क्लास 9 का पहले चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग के एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, एमसीक्यू से ये होगा बेटा, आप लोग ने जो कुछ भी अभी तक के पढ़ा है उससे आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्लास 9 का है, ये ध्यान रखिएगा, और चैप्टर फर्स्ट का है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सी चीज़ मैटर है हमारे पास। हमने कहा था मैटर बनता है किससे, मैटर बनता है किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनता है। हमने कहा मैटर वो नहीं हो सकता जिसमें थॉट्स हो, हेट हो, लव हो, जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो हमने कहा इसमें से कौन सा है, लव। लव को नहीं देख सकते, प्यार आप दिखा सकते हो किसी को नहीं, सिवा आप जाहिर कर सकते हो। चेयर, चेयर का मतलब है यहाँ पे क्या, यानी कि एक वुडन चेयर है हमारे, कुर्सी है, तो हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखते हैं और एग्जांपल क्या है। हेट, हेट मतलब नफरत करना, तो ये तुम जाहिर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। स्मेल ऑफ परफ्यूम, भैया कोई चीज़ स्मेल है परफ्यूम की, उसको तुम सूंघ सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो इसमें से आंसर सही कौन सा होगा, तो इसमें से आंसर है यहाँ पे चेयर है। ठीक है, क्योंकि चेयर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो चीज़ थॉट हो, फीलिंग हो, हेट हो, वो मैटर नहीं होता है, मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है वो कैसी होती है। ड्राई आइस जो होती है वाटर इन सॉलिड स्टेट होती है, या वाटर इन लिक्विड स्टेट होती है, या CO2 इन लिक्विड स्टेट होती है, या CO2 इन सॉलिड स्टेट होती है। हम कहेंगे यहाँ पे जो इसका आंसर है वो लास्ट वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको मालूम है ड्राई आइस की बात कर रहे हैं, ये आइस सिर्फ नहीं बात कर रहे, ये ड्राई आइस की बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ही कैसी होती है, बहुत ज़्यादा एक तो सॉलिड स्टेट में होती है, और ऊपर से इसमें क्या होता है, CO2 सॉलिड स्टेट में होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ड्राई आइस का पहला जो हो गया हमारा लास्ट वाला आंसर हो गया, CO2 इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे, विच फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बना देना। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को करने में काम लाते हैं। ठीक है, मतलब वेपरेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो हमने कहा टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है इसमें से कोई सा नहीं, नन ऑफ दिस। तो हम कहेंगे इवेपरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक होता है टेम्परेचर और एक सरफेस एरिया होता है। अगर टेम्परेचर होगा, पानी रखा होगा, मान ली धूप में आपने ऐसे पानी रख दिया, अब ज़्यादा अगर धूप पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो भाप बन जाएगा, इवेपरेशन हो जाएगा, यानी कि ये भी हो रहा है, टेम्परेचर भी फॉलो कर रहा है। हमने कहा अगर कोई सरफेस एरिया बड़ा होगा, या सरफेस एरिया अगर कोई बड़ा होगा, या किसी में भी रखा होगा, सरफेस एरिया होगा किसी चीज़ में रखा होगा, मान लो आपने एक एक बीकर में रख दिया, या आप खुली से एक आपने जार में रख दिया, तो भैया उसमें धूप पड़ेगी तब भी इवेपरेट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अगर ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, तो आप कहेंगे जल्दी इवेपोरेट होगा, आप कहेंगे छोटा होगा, लेकिन ये भी तो देखो कि सरफेस एरिया उसमें कैसा है, सरफेस एरिया उसका ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो दोनों ही में होगा, लेकिन जल्दी जो होगा वो छोटे वाले में होगा, ये हम बता चुके हैं, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं कि कितना इवेपोरेट हो रहा है। तो इसमें से फर्स्ट वाला भी है, सेकेंड वाला भी है, तो यानी कि थर्ड वाले पर टिक लगा देते हैं, क्योंकि बोथ ए और बी, बोथ ए एंड बी ना लिखिए, यहाँ पे लिख लिए बोथ फर्स्ट और सेकेंड, तो इसका आंसर हो गया थर्ड वाला, क्योंकि ए भी आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है, और सरफेस वाला भी आ रहा है। ठीक है, पांचवा देखिए हमारा कौन सा है, तीसरे के बाद पांचवा नहीं, ये चौथा है। ठीक है, चौथा और ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो लिक्विड को चेंज कर दे भाप में। भैया भाप में बदल जाने को इवेपोरेशन ही कहते हैं, और कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो देखिए इवेपोरेशन है, डिफ्यूजन का मतलब होता है बिखर जाना, कूलिंग का मतलब ठंडा कर देना, हीटिंग का मतलब किसी को हीट करना। अब हमें लिक्विड से वेपर बनाना, भाप बनाना, तो भाप बनाने के लिए इवेपोरेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन, विच सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई चीज़ सॉलिड में हो वो डायरेक्ट वेपर बन जाए, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। सर कैसे, अब देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है। हमने कहा नैप्थलीन है, CO2 है, आइस है, N2 है, तो हमने कहा सॉलिड। सब्लिमेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो आइस है, ठीक है, आपके पास क्या है, आइस है, आइस का मतलब यानी कि बर्फ है। बर्फ को डायरेक्ट लिक्विड में ना बना के बर्फ को डायरेक्ट तुम वेपर में बना दो, बर्फ से डायरेक्ट तुम्हारी, यानी कि ये जो आइस है ये सॉलिड स्टेट में, इस आइस को डायरेक्ट तुम यहाँ पे हीट करके डायरेक्ट वेपर बना दो। सर
पहले तो हीट करने के बाद पानी बनेगा तब भाप बनेगा, नहीं डायरेक्ट जो आइस से भाप बना दे तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो होगा हमारा नेप्थलीन होगा, आंसर है नेप्थलीन। नेप्थलीन बहुत ही हल्का रुई के कॉटन के जैसा होता है, रुई के बॉल जैसे होता है। नेप्थलीन बॉल वाली एक्टिविटी हमने आपको करवाई थी, इन्वर्टेड फनल, तो वो जो होता है नेप्थलीन ज़्यादा होता है। ये सब जो होता है इतने आसानी से नहीं हो पाएगा, लेकिन नेप्थलीन बॉल डायरेक्ट वेपर बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो नेप्थलीन इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए आपका जो आया है छठा क्वेश्चन, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन पहले जाने की, कंडेंसेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन का मतलब होता है जो चीज़ लिक्विड से वेपर में बदल जाए, ठीक है, लिक्विड से वेपर या लिक्विड से गैस में बदल जाए, यानी कि लिक्विड हो हमारे पास, लिक्विड से वो किस में बदले, वेपर्स में बदल जाए। अब वेपर्स को एक और भी नाम देते हैं, गैस कह दो, ठीक है, फिर गैस से लिक्विड में बदल जाए। मान लो आपके घर पे कोई वो है, बर्तन है, आप पानी बॉईल कर रहे हो, पानी नीचे से गर्म कर रहे हो, उसके वेपर्स उड़ के उस ढकनी के ऊपर जाके चिपक गए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ। उस ढकनी को आप हटाओगे तो छोटे छोटे ड्रॉप्स उसके पानी के होंगे, फिर से आप उसको यूं कर दोगे, अंदर डाल दोगे तो फिर पानी चला जाएगा, यानी कि लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में बदल जाना। तो यानी कि कौन सा एग्जांपल सही होगा, लिक्विड से गैस, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड, सॉरी नहीं, लिक्विड से गैस, ये पहला वाला आंसर सही है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखिए बेटा आपके पास जो सेवन्थ क्वेश्चन आया है, सेवन्थ क्वेश्चन में लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है। आप लोग को मालूम है कि बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री पे, तो मेल्ट कितने पे होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितनी होगी आइस को जमाने पे, हमने कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे 4 डिग्री दिया है, 0 डिग्री दिया है, 5 डिग्री दिया है, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री पे, भैया कोई चीज़ जमा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आइस का, तो 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। फिर हमने पूछा प्लाज्मा इज द डैश स्टेट ऑफ मैटर, अब डैश में क्या भरा जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी स्टेट होती है प्लाज्मा। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि प्लाज्मा जो होती है वो हमारी फोर्थ स्टेट होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था और आइंस्टाइन ने जो मिल के वहाँ पे दिए थे, तो उसी को कहते हैं हम लोग फोर्थ स्टेट। और फोर्थ स्टेट कौन सी होती है, BEC, कौन सी होती है, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमारा लास्ट वाला सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला सही है, फोर्थ होगी स्टेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डैश में आएगा फोर्थ स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आया नवा क्वेश्चन, द प्रोसेस फॉर द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, जस्ट अभी बताया था हमने कि सॉलिड वाली चीज़ हो वो डायरेक्ट लिक्विड में ना चेंज हो, डायरेक्ट वेपर्स में बदल जाए, भाप में बदल जाए, तो कौन सा होगा, एवेपोरेशन नहीं होगा, हीटिंग नहीं होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो लिक्विड से गैस में होता है और गैस से लिक्विड होता है, सब्लिमेशन होता है, इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो यह आंसर आपका है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड वाली चीज़ को आइस डायरेक्ट भाप में बदल देता है, कंडेंसेशन में पहले लिक्विड होता है फिर भाप बदलता है, हीटिंग में क्या होता है कि हीट कर रहे हो नॉर्मल, इसको बोलते हैं कोई इसका तो कोई मिलता जुलता भी नहीं है, इवेपरेशन का मतलब होता है भाप बन जाना होता है, तो ये सब्लिमेशन ही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दसवां क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड इन ए बीकर ऑफ वाटर, एक हमने बीकर में लिया, इस इंक लिया और डाल दिया, वो फैल जाती है, हमने ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, ठीक है, फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एक हनी बी है और इंक को आप बीकर में पानी लो, इंक डाल दो तो पूरी फैल जाएगी, तो इसमें क्या हो रहा है, फैलने का मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है या सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन तो नहीं हो सकता, कंडेंसेशन भी नहीं हो सकता, वेपराइजेशन भी नहीं हो सकता, डिफ्यूजन ही हो सकता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है बिखरना, किसी चीज़ को बिखर जाना, तो भैया इंक डाले हुए पानी में तो कैसा होता है, बिखर जाता है, ठीक है। देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा सॉलिड चेंज हो जा रहा है किसमें, लिक्विड में, भैया सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन या एवेपरेशन। एवेपरेशन तो होगा नहीं, भाप बन जाना, डिफ्यूजन का मतलब अभी देख लिया कोई चीज़ बिखर जाना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में से कुछ हो सकता है, तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, तो हमने कहा बॉइलिंग का मतलब भी भाप हो जाएगा, बॉइल कर देना, मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका आंसर। तो क्या है इसका आंसर, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, पहला वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आया
12वां क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नेदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप, जिसका ना फिक्स्ड वॉल्यूम हो, ठीक है, और ना ही उसका फिक्स्ड शेप हो, सॉरी मैं आपको मिटा दिया, फिक्स्ड शेप। भैया ऐसी कौन सा स्टेट होता है जिसका शेप भी फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता? आप पानी को लेते हो, पानी को ग्लास में डालते हो तो ग्लास का शेप ले लेता है, जितना डालते हो उतना ग्लास का वॉल्यूम ले लेता है, टब में डालोगे तो टब की तरह लेगा, हाथ में डालोगे तो हाथ की तरह लेगा, यानी कि इसका आंसर होगा गैसियस स्टेट होगा, ठीक है। जैसे कि हमने लिक्विड की बात कर रहे थे, ठीक है, लिक्विड, अब लेकिन यहाँ पे जो होगा हमारे पास लिक्विड, यहाँ पे क्या पूछा है, गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है या बोस आइंस्टाइन, देखिए फोर्थ तो है नहीं, सॉलिड स्टेट भी नहीं होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट का एक फिक्स शेप होता है, डिफिनाइट शेप होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, सॉलिड वाली चीज़ों का, ये सॉलिड है मान लिया तो उसका सॉलिड का पूरा एकदम डिफिनाइट होगा, अरेंजमेंट भी, मॉलिक्यूल भी पास पास होंगे, ये दो तो नहीं हो सकते। लिक्विड गैसेस में क्या होगा, लिक्विड का मतलब होता है जैसे कि लिक्विड को कहीं डाल दो आप, ठीक है, ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, तो इन्हें कहा है जिसका फिक्स वॉल्यूम भी ना हो शेप भी ना हो। तो भैया लिक्विड को जिसमें डालोगे तो शेप भी ले लेगा लिक्विड का, लिक्विड को कहीं किसी ग्लास में डालो, बीकर में डालो तो बीकर का शेप, ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप लिक्विड ले लेगा, लेकिन ये कह रहे हैं शेप भी ना हो वॉल्यूम भी ना हो तो उसे कहेंगे गैसियस स्टेट। तो ये वाला पहला वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है, गैसियस स्टेट आंसर है इसका, ठीक है, इसको नोट करिए बेटा। अब देखिए बेटा आपके पास जो क्वेश्चन 12th आया है, 12th का क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, इन विच स्टेट्स ऑफ मैटर पार्टिकल हैव मैक्सिमम स्पीड, इसमें से जो दिए हुए हैं आपके पास स्टेट दी हुई हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट, ड्राई स्टेट, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम स्पीड है पार्टिकल की ट्रैवल करने की, यानी कि ऐसा समझिए कि हमारे पास इन चारों स्टेट में से ऐसी सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्टेट है जो हमारा एयर में ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है, कौन सा हो सकता है, लिक्विड स्टेट नहीं हो सकता, लिक्विड है, लिक्विड कहाँ से स्टेट ट्रैवल करेगा, एयर के अंदर, एयर के अंदर तो सिर्फ गैसियस हो सकती है, तो यानी कि लिक्विड भी नहीं होगा, सॉलिड सॉलिड भी नहीं होगा, ये तो बेकार ही एकदम सवाल है, गैसियस स्टेट या ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट भी नहीं होगा सर, गैसियस स्टेट होगा। भैया आप खुद बताओ, आपको मैंने इसका एग्जांपल दिया था, मैंने आपको इसकी एक्टिविटी करवाई थी कि मैं, आपको याद होगा कि मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई किचन में खाना पक रहा है तो उसकी स्मेल हमें तेज़ी से सुनाई देगी, ठीक है, उसकी स्मेल हमें तेज़ी से सुनाई देगी, जैसे कि विंटर में ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उसके गैसेस की, वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेंगे, तो गैसेस ही स्टेट है जो एयर में ट्रैवल कर सकती है। तो यहीं पर यही पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड में ट्रैवल करते हैं, तो गैसेस स्टेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 373 सेल्सियस टू केल्विन स्टेट, आपको 373 को केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 273, तो यानी कि 373 में 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 646 आएगा, तो यानी कि 646 ये है, ठीक है, तो पहला आंसर हो गया हमारा 646। कभी भी किसी को सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो ऐड कर दिए 273, और किसी को केल्विन से सेल्सियस में लेके जाना हो तो माइनस कर दिए 273, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सर बहुत ही छोटे, नहीं, हम लोग को जो कपड़े पहनने चाहिए बेटा, यहाँ पे डार्क कलर के कपड़े पहनना चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, कॉटन के फैब्रिक पहनना चाहिए या लिनन पहनना चाहिए, बेटा हम लोग को गर्मियों में क्या होता है, हम लोग के स्वेट पसीना ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए हम लोग को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए ताकि वो हमारा जो स्वेट पसीना है जल्दी से सूख जाए। तो आपने कभी ये थोड़ी ना देखा होगा कि गर्मियों में आपने एकदम जाड़े वाले कपड़े पहने होंगे, तो लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, वो भी कॉटन, लाइट कलर्ड कॉटन कपड़े, ठीक है, आंसर हो गया। अब देखिए, द फोर्स बाइंड द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज, ऐसी कौन सी फोर्स होती है जो बाइंड करती है पार्टिकल को, जोड़े रहती है, ठीक है, फोर्स बाइंड द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज, कौन सा फोर्स होता है, हमने देखा यहाँ पे चार ऑप्शन है, कौन कौन से, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, स्पेस तो कहाँ जोड़ा हुआ, स्पेस का मतलब हो गया तो गैप, गैप थोड़ी ना करना, हमने कहा जोड़े रहे तो स्पेस नहीं होगा, बॉन्ड, बॉन्ड किस तरीके का, ये भी तो पता चले, नहीं है, ये भी नहीं होगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स,
या आयनिक फोर्स। आयनिक फोर्स का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव निगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन से घूम रहा हो। लेकिन यहाँ पे आंसर है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल एक दूसरे में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर ये हो गया थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एज द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज क्या होगा। अगर हमारा प्रेशर जो होगा एयर का, अगर वो डिक्रीजेस होगा, एज द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, अगर हमारा एयर प्रेशर डिक्रीजेस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एयर का प्रेशर होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, हीट दे के क्या होता है, वो बॉयल होता है। तो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेस वगैरह भी हैं बहुत सारी, उसकी उसका प्रेशर का, गैसेस का प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के प्रेशर का गैसेस अगर इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, डिक्रीजेस होगा, या सेम फिक्स रहेगा, या इसमें से नन ऑफ दिस, कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा यहाँ पे डिक्रीजेस होगा। भैया कोई चीज़ ऊपर से प्रेशर लग रही है, नीचे से हम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं बॉयल करके, तो जब एक टाइम ऐसा आएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही कहा है, जो प्रेशर होगा एयर का वो डिक्रीजेस होगा। ठीक है, वो डिक्रीजेस हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा लिक्विड का वो कैसा होगा, वो भी डिक्रीजेस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। जब इक्वल आ जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो कैसा होगा, डिक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। मैटर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे बनता है, डैश किससे बनेगा, पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से, आयन से, एटम से। अरे तो रटा हुआ है सर, पार्टिकल से बनेगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसको नोट करो बेटा। अब देखिए बेटा, आपके पास जो आया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो कौन सा है, यहां पे लिखा है आइस फ्लोट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, आइस जो होती है वो फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर, ये हमने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया था। इसमें से लिखा है, ऑप्शन दिए, इट इज हैवियर देन वाटर, क्या हैवियर होती है पानी से ज्यादा, देखते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज सेम एज दैट ऑफ आइस, जो डेंसिटी होगी वाटर की वो सेम होगी आइस से, क्या कुछ ऐसा है। फिर तीसरा ऑप्शन जो दिया है, आइस इज लाइटर देन वाटर। फिर चौथा जो दिया है, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो ये है, ये वाला थर्ड वाला, आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस इज लाइटर देन वाटर कैसे, क्योंकि बेटा आइस की जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से कम होती है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और आइस की होती है 0.98 या कुछ समथिंग होती है, 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए आइस फ्लोट होने लगती है। हमने आपको ये भी बताया था कि आइस जो होता है एक हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल की तरह होता है। हमें ऐसा लगता है कि अंदर जो है सॉलिड है, लेकिन अंदर वॉइड्स होता है। वॉइड्स का मतलब होल होता है, गैप होता है, अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर होल होता है, एक हवा की तरह होता है। तो इसीलिए आइस इज लाइटर देन वाटर, इसलिए यहाँ पे कहा कि आइस पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, कैसे फ्लोट करने लगती है। तो हमने कहा आइस जो होती है उसकी डेंसिटी लाइटर होती है वाटर से। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है तो इतना ही लिखेंगे, आइस इज लाइटर देन वाटर। ठीक है, फिर दूसरा पूछा है, डेंसिटी इज मेजर्ड बाय, भैया डेंसिटी को किसमें मेजर करते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, किसमें करते हो। भैया हम लोग, ये तो जनरली क्वेश्चन है हम लोग का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, भैया किलोग्राम में करेंगे, डेंसिटी है, डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, इतना तो समझते हो आप। फिर 20वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है चार ऑप्शन में से जो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, शो नहीं करता। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, भैया कोई चीज सॉलिड होगी, ठीक है, उसके अंदर मॉलिक्यूल आपस में एकदम ठुसे हुए होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, गैप नहीं होगा, तो यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा एटम का, हाँ होगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी शो कर रही है, यानी कि पहली वाली तो हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सॉलिड स्टेट को नहीं शो करती, तो पहला वाला तो सही है, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या पूछा है, द इंटर पार्टिकल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए सॉलिड इज वीक, कह रहे हैं कि जो एक आपस में, ये जो मॉलिक्यूल है आपस में जो लगे हुए हैं, एक दूसरे से क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं, जुड़े हैं,
उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। कैसे वीक होगा? जब ये सॉलिड है आसपास मिले हुए पार्टिकल, तो वीक कैसे होगा? तो यानी कि ये वाला सही है हमारा, ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है सॉलिड की, यानी कि ये सही हुआ। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अ सॉलिड मेल्ट एट अ फिक्स टेम्परेचर, हाँ भैया ये बात सही है, ये सॉलिड है हमारा, मान लो ये कोई सॉलिड है, एटम है, इसको हम मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं एक इसके एक फिक्स टेम्परेचर पे, यानी कि ये भी शो कर रहा है सॉलिड की प्रॉपर्टी। अब तक कि ये सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करी, ये शो करी, ये वाली शो नहीं करी, तो ये सही है। ठीक है, चौथी देखते हैं, द फ्लूडिटी ऑफ सॉलिड इज़ वेरी हाई। फ्लूडिटी का मतलब कोई चीज़ को फ्लो होना, यानी कि कोई लिक्विड होगा तो वो बह जाएगा, लेकिन यहाँ तो सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, तो सॉलिड की फ्लूडिटी हाई कैसे हो सकती है? पहली बात तो ये लिक्विड थोड़ी ना, सॉलिड है, तो इसकी फ्लूडिटी सॉलिड की हाई कैसे हो सकती है फ्लूडिटी? तो ये क्या हो रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की, ये फॉलो कर रही है और ये फॉलो कर रही है, ये दोनों फॉलो नहीं कर रही है। तो उसका आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट, सेकेंड, नहीं, सेकेंड और फोर्थ होना चाहिए, सेकेंड 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 और फोर्थ, ये यानी कि सी वाला है हमारे पास, सेकेंड और फोर्थ प्रॉपर्टी सॉलिड की शो नहीं कर रही है। ठीक है,